अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी जो कि बहुत ही इजी है और टेस्टी है, एग पकौड़ा, जो कि बहुत ही आसानी से घर में हम बना सकते हैं और जिसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। और जब भी छोटी मोटी भूख सताए हमको या हमारे बच्चों को या फैमिली मेम्बर को, हम आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। एग पकौड़ा बहुत ही टेस्टी और यमी होता है। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, अंडे ज़रूरत के मुताबिक और पानी और नमक हसबे जाएगा और ऑयल फ्राई करने के लिए। बॉयल एग हमें चाहिए और हम बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा ना पतला और उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं हो। कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से फेंटिए बिना सोडे के, ये रेसिपी बनेगी। ये देखिए, बेसन फेंटने के बाद हमने इसमें नमक ऐड किया है। बाद में ऐड करने से ये होता है कि बेसन पतला नहीं होता है ज़्यादा। ये देखिए, इतना थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम एग को बहुत ही संभाल के काटेंगे, चाहे आप 2 हिस्से में काटिए या 4 हिस्से में। हमने 4 हिस्से में काटा है, 4 पार्ट्स में, और बहुत ही संभाल के। और ये देखिए, एक और एग हम आपको कट करके दिखाते हैं। ये 4 पार्ट में कट करने से क्या होता है, आसानी से फ्राई भी हो जाते हैं और खाने में एक बाइट में हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से हमें बेसन को कोट करना है। अगर ज़्यादा पतला होगा तो कोट होगा नहीं, और ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भी कोट नहीं होगा अच्छे से, और अंदर से कच्चा हो जाएगा, फ्राई अच्छे से नहीं होगा। इसे मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, ऑयल को गर्म करके हाई फ्लेम पे, फिर मीडियम फ्लेम पे करना है, वरना ये फट से ऊपर से रेड हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा बेसन। एग तो हमारे बॉईल है ये पहले से, बट बेसन कच्चा रह जाएगा। इसी तरीके से हम कोट करके सारे अंडों को फ्राई कर लेंगे बेसन के साथ। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। जब कभी भी हमें भूख लगे, छोटी मोटी नाश्ते के दिल हो और कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना लगे, तो इसीलिए हम बना सकते हैं एग पकौड़ा। और इसे तो रमज़ान में भी अपनी रेसिपी में हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ताकत की भी ज़रूरत होती है रमज़ान में, और ऐसे भी बच्चों को तो एग खाना ही चाहिए। तो इसके लिए कुछ वेरिएंट में हम बनाते हैं एग पकौड़ा। ये देखिए, इसी तरीके से हमारे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे से